बिहार में एक बार फिर बनी एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार सरकार में बनाए गए 2 डिप्टी सीएम। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 8 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी जेडीयू के 3-3, हम का 1 और 1 निर्दलीय विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू से बिजेंद्र प्रसाद और विजय कुमार चौधरी ने शपथ ग्रहण किया, मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू के श्रवण कुमार और बीजेपी के प्रेम कुमार बनाए गए मंत्री, पद की शपथ ली। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के विधायक संतोष कुमार सुमन ने ली शपथ, सरकार में बनाए गए मंत्री। नीतीश सरकार में मंत्री बने निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह, शपथ ग्रहण की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण में हुए शामिल, राजभवन में रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, लोकसभा चुनाव में बिहार में सभी सीटें जीतेगा एनडीए, पूरी तरह से फेल आईएनडीए गठबंधन। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश को दी बधाई, पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, जनता के हित में काम करेगी सरकार। शपथ ग्रहण के बाद बोले सीएम नीतीश कुमार, जहां पहले थे वहीं आ गए, अब इधर उधर का सवाल नहीं है। बहुत जल्द होगा बिहार कैबिनेट का विस्तार, नीतीश बोले बीजेपी के साथ मिलकर विकास के लिए काम करते रहेंगे। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार के हित में अच्छा हुआ, अब सब कुछ ठीक होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा, लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें जीतेंगे। शपथ ग्रहण के बाद बोले विजय कुमार चौधरी, हम पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल, बीजेपी दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे। सरकार गिरने के बाद पहली बार नीतीश कुमार पर बोले तेजस्वी यादव, अभी खेला खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है, नीतीश कितने दिन रहेंगे पता नहीं। तेजस्वी ने नीतीश पर सरकार की हत्या करने का आरोप लगाया, बीजेपी को धन्यवाद कि नीतीश कुमार को साथ ले गए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने साधा निशाना, कहा अयोध्या में राम है, बिहार में पलटू राम है। सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली समारोह का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, नई वेबसाइट लॉन्च की, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने डायमंड जुबली कार्यक्रम को संबोधित किया, बोले सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया। देशवासियों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात, मन की बात के 109वें एपिसोड को किया संबोधित, कई मंत्रियों ने कार्यक्रम को सुना। राम मंदिर पर पीएम मोदी का बयान, बोले प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों लोगों को एक ही सूत्र में बांधा, पूरे देश ने 22 जनवरी को राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने 3 गुना बढ़ाई पुजारियों की संख्या, 15 हुई कुल पुजारियों की संख्या। राजस्थान के जोधपुर से अयोध्या के लिए चली पहली आस्था स्पेशल ट्रेन, करीब 1500 यात्रियों को लेकर अयोध्या पहुंचेगी ट्रेन। जम्मू पुंछ राजमार्ग को तेजी से पूरा करने का काम जारी, 2026 तक पूरा हो जाएगा निर्माण। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियां। बहराइच में ट्रक और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 बाइकों के बीच भिड़ंत, हादसे में 1 युवक की मौत। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में गिरा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों में से 1 की मौत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच मारपीट, 2 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। बिजनौर में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या, पुलिस ने शव बरामद किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत, शव छोड़कर भागे कर्मचारी, पुलिस ने बरामद किया। आगरा में लापता युवक का चंबल किनारे मिला शव, 6 जनवरी को लापता हुआ था। गोरखपुर में टेडी बियर बने लड़के को लड़की ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल। बिहार के जमुई में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच तलवारबाजी, 2 लोग घायल, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पोर्शे की पहली ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी मैकन लॉन्च, 1,65,00,000 है कीमत, 613 किलोमीटर की रेंज का दावा। हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत की हार, इंग्लैंड ने भारत को 28 रनों से दी शिकस्त, ओली पोप और टॉम हॉटले ने पलटी बाजी। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही टेस्ट मैच में दी मात, ब्रिस्बेन टेस्ट में 8 रन से जीता वेस्टइंडीज, 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके घरेलू जमीन पर जीता टेस्ट।